जी कितनी बढ़िया बनी, परफेक्ट सब्जी बनी हमारी देसी स्टाइल में। तो आप अगर मेरी रेसिपी आपको, तो दोस्तों हमने कटोरी में सर्व कर लिया है। हेलो दोस्तों, एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। हमें ओल है, जिसे हिंदी सूरन भी कहते हैं, बहुत जगह कुछ और भी बोलते हैं। तो हम आज उसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। हमने इसको धो के छील के काट लिया है और हमारे तेल गरम उनमें कर दिया है। तो एक एक करके हम इसके अंदर डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। हम फ्राई करेंगे, इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, यानी उसको तल लेना है हमें। दोस्तों हमने फ्राई कर लिया, हमने पलट लिया है उसको अच्छे से। तो हमने उसको अल्टी पलटी कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर। जैसे हमारा ये लाल हुआ है तो ऐसे हमारा दूसरी जगह भी फ्राई होना चाहिए। तब ये हम और फ्राई कर रहे हैं और गैस को एकदम मीडियम में रखना है। और हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, अगर सरसों का तेल आप यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए, हमने मिर्ची है, अदरक है और हमने गर्म मसाला है। हमने खड़े मसाले को भून के पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। और लहसुन आप जितना, हमने 2 से 3 लहसुन, हमारे छोटे छोटे लहसुन है तो कम से कम 20 से 25 हमारे कलियाँ हैं, तो हमने वो लिया हुआ है। इतने सारे लहसुन, अदरक है एक टुकड़ा, और जितना हम तीखा खाते हैं आप जितना खाते हो उतना मिर्ची आप डाल सकते हैं। इसमें हम एक प्याज काट के डाल रहे हैं, मीडियम साइज का छोटा प्याज है। आपके ऊपर आप छोटा डालें बड़ा डालें, उसको काट के डालेंगे। देखिए हमने प्याज काट लिया है एक मीडियम साइज का। इसमें थोड़ा पानी डाल के हम पेस्ट बना लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने थोड़ा हींग डाल दिया साइड में और करी पत्ता हमने डाल दिया। फ्रेश करी लीफ को अगर आपके पास तो आप डाल सकते हो उसके अंदर। और हमने जो वही पेस्ट बनाया था वो डाल दे रहे हैं। उसमें हमने हल्दी डाल दिया है मसाले में, और नमक स्वादानुसार आप डाल सकते हैं, जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से। और हमें अच्छे से इसको भून लेना है मसाले में। हमें जो सूरन की सब्जी या ओल की सब्जी जो बना रहे हैं, हम वो गांव के तरीके से बना रहे हैं जैसे गांव में बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा ओल जो है एकदम वो हो चुका है, तैयार पक चुका है। सिर्फ मसाला भूनने की देरी है और थोड़ा सा हम पानी डाल के उसको पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए। मसाला हमारा जले नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को भुनना चाहिए हमारा। तो वही हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, और मसाले को भुनने में आसानी होगी और हमारा मसाला भी भुन के तैयार हो जाएगा अच्छे से। दोस्तों हम पानी डाल डाल के भून रहे हैं। हमारा सब्जी अलग, मसाला अलग और कढ़ाई में मैनर है, उस हिसाब से हमें भुनना है उतना ही तब मसाला हमारा अच्छा बनेगा, सब्जी हमारी अच्छी बनेगी। देखिए दोस्तों, हमने पानी डाल दिया, हमारी सब्जी भून के हो गई थी, मसाले हमारे भून गए थे अच्छे से। और हमने देखिए पानी डाल दिया, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। हम सब्जी थोड़ा बना रहे तो थोड़ा ही पानी डालेंगे और हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारी सब्जी तो वैसे ही पक चुकी है तो हमें ज़्यादा उसको पकाया नहीं। सिर्फ हम थोड़ा सा हमारा जो बॉयल आ जाए 5-10 मिनट में, हम गैस बंद कर देंगे 5 मिनट बाद, फिर मैं आपको बताऊंगा। कि दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, सब्जी में अच्छे से बॉईल आ रहा है। हम थोड़ा धनिया गार्निश कर देते हैं, आपकी मर्जी हो तो आप डालिएगा, नहीं तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। वो नहीं है कि धनिया डालना ही है, हम सारा धनिया डाल देते हैं। और डालने के बाद हम देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनी, परफेक्ट सब्जी बनी हमारी देसी स्टाइल में। तो आप अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय दोस्तों। तो दोस्तों हमने कटोरी में सर्व कर लिया है।